भर्ती करने वाले तीन शिक्षकों को कलेक्टर भव्या मित्तल ने सस्पेंड कर दिया है। जोनुद गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षकों की मुर्गा पार्टी की खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी। उसके बाद कलेक्टर ने तत्काल एक्शन लेकर शिक्षक नवल सिंह राठौर, अरुण पंधारे और सीख राम पवार को निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि समय से पहले ही बच्चों की छुट्टी कराकर स्कूल भवन में शिक्षकों ने शराब पीकर मुर्गा पार्टी की। गांव के ही कुछ लोगों ने वीडियो वायरल कर दिया। छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने इस मामले का खुलासा किया, शिक्षकों को हटाने की मांग की। गणेश कुमार बुरहानपुर संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे इस पूरे मामले पर जानकारी लेते हैं। खबर का असर हुआ गणेश, हमने खबर दिखाई और खबर का असर ये हुआ कि सस्पेंड कर दिए गए क्योंकि करतूत ही ऐसी थी, स्कूल की छुट्टी कराकर शराब और मुर्गा पार्टी कर रहे थे। पूरी जानकारी दें जी पुनीत। बताना चाहूंगा कि बुरहानपुर जिले के सोनूद गांव में स्कूल को जो है शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। तीन शिक्षक जिन्होंने स्कूली बच्चों को जो है वो समय के पहले छुट्टी उनकी करा दी और शराब के नशे में धुत होकर मुर्गा पार्टी करके मदमस्त होते शिक्षक वहां पर पार्टी करते नजर आए। हालांकि कई दिनों से लोग परेशान थे, कोई सामने नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक एक व्यक्ति ने वहां वीडियो बना दिया और उसको वायरल कर दिया। कलेक्टर तक की जब मामला पहुंचा, न्यूज 18 ने भी खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद में कलेक्टर ने तत्काल एक्शन लेकर तीनों शिक्षकों को जो है वो निलंबित किया। आगे कोई और कार्रवाई होनी है इस पर? जी, अभी तो फिलहाल निलंबन की कार्रवाई की गई है। उनके स्थान पर अन्य शिक्षकों को जो है वो नियुक्त किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार से कोई पढ़ाई प्रभावित ना हो बच्चों की, और आइंदा से ऐसी अगर कई जगह किसी इस तरह की हरकतें होती है तो कलेक्टर जो तुरंत इस मामले में एक्शन लेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए गणेश। खंडवा के दो लोगों की थाईलैंड में मौत हो गई है, डूबने की वजह से मौत हुई है ऐसी वजह बताई गई है। खंडवा के चर्म रोग विशेषज्ञ की मौत की खबर है। डॉक्टर सागर जुगतावत की मौत की खबर है, एसीएमएचओ डॉक्टर ओपी जुगतावत के बेटे हैं डॉक्टर सागर, साथ ही एक अन्य युवक की भी मौत हो गई। 8 सदस्यीय दल दरअसल थाईलैंड गया हुआ था और यहां पर ये घटना सामने आई। हालांकि अभी इस पूरे मामले में क्या असल वजह है इस पूरा ये खुलासा होना बाकी है, लेकिन अमित हमारा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अमित, ये क्या जानकारी निकल कर आ रही है मौत को लेकर, क्या वजह है इसके पीछे है? जी पुनीत जी, मैं बता दूं कि खंडवा के जो 7 से 8 युवा जो है वो थाईलैंड गए थे, वहां से फुकेट गए थे, और वहां से ये खबर आ रही है कि जो खंडवा के सीएमएचओ है डॉक्टर ओपी जुगतावत, उनके जो बेटे हैं डॉक्टर सागर जुगतावत, उनकी मौत हुई है और उनके साथ ही एक अन्य युवक की मौत भी हुई है। बताया जा रहा है कि ये तीनों नहाने गए थे और इसी दौरान जब समुद्र की लहरें हैं वो तेज हुई और तीनों डूबने लगे, इनमें से दो लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है जबकि एक युवा जो है वहां से बच गया है। और ये सूचना खंडवा पहुंच गई है, डॉक्टर जो जुगतावत है उनके निवास पर लोगों की भीड़ भी जमा होने लगी है और बताया जा रहा है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है ये आज हुआ था और इसके बाद अब इन शवों को इंडिया लाने में और खंडवा तक लाने में कम से कम 2 से 3 दिनों का समय लग सकता है, क्योंकि दो देशों के बीच जो प्रक्रिया होगी उसमें ये समय लगेगा और अधिक जानकारी भी इसके बाद ही सामने आ पाएगी कि आखिर असल वजह क्या रही। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एमपी में बीजेपी ने मिशन 2023 की तैयारी तेज कर दी है। भोपाल में बीजेपी घोषणा पत्र कमेटी की बैठक हुई जिसमें सभी सदस्यों ने घोषणा पत्र को लेकर सुझाव मांगे। बैठक को लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि बीजेपी का घोषणा पत्र आमजन हितैषी होगा। जयंत बलैया के नेतृत्व में कमेटी काम कर रही है, ऐसा घोषणा पत्र होगा जिसमें हर एक वर्ग की बात होगी। इस परिकल्पना पर भारतीय जनता चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी जिस मध्य प्रदेश को बीमारू राज से विकसित मध्य प्रदेश बनाया, अब ये मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा, इस परिकल्पना पर भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो की कमेटी ने कई प्रकार
प्रदेश भर में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं और कृषि मंत्री कह रहे हैं कि आज टमाटर महंगे हैं, कल टमाटर को दो दो रुपए में कोई नहीं पूछेगा। कमल पटेल ये भी कह रहे हैं कि मांग और आपूर्ति में अंतर की वजह से टमाटर महंगा है, अभी मांग अधिक है आपूर्ति कम है। इसमें से 8,09,000 किसान के टमाटर, देखिए कोई भी फसल के दाम मांग और पूर्ति पे रहते हैं, मांग ज्यादा है पूर्ति कम है, अभी मौसम बारिश का है तो कम है, कल जब टमाटर इतने हो जाएंगे दो रुपए भी कोई नहीं पूछता, तो उस समय कोई कहता क्या 10 रुपए ले रहा हूँ। नहीं, हम तो चाहते हैं कि किसानों की फसलों के रेट अच्छे मिले। विधायक जजपाल सिंह जज्जी के फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जज्जी को गवाही देने कोर्ट आना था लेकिन वो पहुंचे नहीं। वकील ने जज्जी के कोर्ट में न आने की वजह आईसीयू में भर्ती होना बताया और इसको लेकर कोर्ट में सर्टिफिकेट भी दे दिया, लेकिन याचिकाकर्ता ने कोर्ट में उसी तारीख में जनसंपर्क की फोटो कोर्ट में शेयर कर दी। कोर्ट ने 7 से 10 अगस्त के बीच अनिवार्य रूप से उन्हें पेश होने के लिए कहा है। विधायक पर अलग अलग जाति प्रमाण पत्र पर इलेक्शन लड़ने का आरोप है। आज एविडेंस के लिए फिक्स थी 31 जुलाई से 3 अगस्त तक एविडेंस होना था जसपाल सिंह जी का, तो यस्टरडे ने एक एप्लीकेशन मूव की थी कि साहब हम आईसीयू में भर्ती हैं 29/7/2023 से, जबकि 30/7/2023 को ये जनसंपर्क कार्यालय के समस्त कार्यक्रम में उपस्थित हुए अशोकनगर में, जिसके मेरे द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए गए और जो जज्जी हैं जसपाल सिंह जी उनके अपने अभिभाषक के द्वारा दो एप्लीकेशन मूव की थी 41/96/2023 और 41/98/2023, जिसमें उन्हें प्रेयर की थी कि 15 दिन के लिए स्थगित कर दी जाए अपने मेडिकल इलनेस के आधार पर, और ये कहा था कि साहब दस्ती तामिल विशेष भाग से कराई जाए। तो दोनों ही एप्लीकेशन न्यायालय ने, माननीय न्यायालय ने अप्रसन्नता जाहिर करते हुए डिसमिस कर दिए, रिजेक्ट किए हैं और कहा है कि आवश्यक रूप से 7 से 10 अगस्त तक की एविडेंस होनी है और आप बिल्कुल उपस्थित रहें और एविडेंस कराएं। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले एक एक वोट के महत्व को समझाने के लिए निर्वाचन आयोग जागरूकता वाहन का सहारा ले रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाई। ये सभी वाहन विधानसभा चुनाव से पहले हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे, जो मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। देखिए आज सीओ निर्वाचन मध्य प्रदेश श्री अनुपम राजन सर के द्वारा प्रत्येक विधानसभा के लिए एक एक रथ पूरे मध्य प्रदेश के लिए रवाना किया गया है। भोपाल की अगर बात करें तो 7 विधानसभाओं के लिए एक एक रथ रवाना हुआ है और इसका उद्देश्य है कि जो मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया कल से प्रारंभ होने वाली है, 2 अगस्त से 31 अगस्त तक प्रत्येक बूथ पर VLOs बैठेंगे, बीच में वो 4 दिन के लिए अपने क्षेत्र का भ्रमण भी करेंगे। मेरी आपके माध्यम से सबसे अपील है कि अगर आपकी उम्र 18 साल हो रही है 1 अक्टूबर को पूरी, तो निश्चित रूप से आप इस सुविधा का, इस अवसर का लाभ उठाएं और अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं। ये हमारी एक ड्यूटी है जिसको हमें करना है। इधर कूनो में चीतों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने हलफनामा दाखिल किया। इसमें यह बताया गया कि 5 एडल्ट चीतों और 3 शावकों की कूनो नेशनल पार्क में मौत परेशान करने वाली है, लेकिन ये ज्यादा चिंताजनक नहीं भी है। कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि कुनों में रह रहे चीतों पर ध्यान रखा जा रहा है और एहतियात के तौर पर उनका मेडिकल परीक्षण भी हो रहा है। कोर्ट में दाखिल हलफनामे में यह भी लिखा गया है, कहा गया है कि चीतों की मौत की वजह प्राकृतिक है, इनमें से किसी भी चीते की मौत अप्राकृतिक कारणों से नहीं हुई है। और इधर बीजेपी के पार्षद प्रतिनिधि ओम प्रकाश पालीवाल का एक दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ओम प्रकाश पालीवाल पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरा मामला राजगढ़ जिले के ब्यावरा सिटी थाने का बताया जाता है। यहां पर बीजेपी नेता ओम प्रकाश पालीवाल सारी हदें पार करते हुए पुलिसकर्मी पर भड़क गए और हाथापाई पर उतार हो गए। ये घटना 2 दिन पुरानी है, इसका वीडियो अब जाकर नजर आ रहा है। यातायात की टीम के द्वारा जो चेकिंग की जा रही थी उस दौरान जो तूफान को रोका गया था, जिसमें से चेकिंग के दौरान उन्होंने बताया कि भाई हमें जाना है, जिनके बताया कि भाई आपके दस्तावेज चेक कराने होंगे। इसी बात पे से जो उनमें बैठे हुए व्यक्ति थे उनके द्वारा हमारे स्टाफ जो था यातायात उसके साथ हिमाचटकी कर बदलता की गई थी। इसमें हमारे द्वारा जो आरोपी पक्ष है उसके विरुद्ध 353 व अन्य भादरी की धाराओं में मामला पंजीकृत किया है। सर एक और घटनाक्रम था, सर एक और भी घटनाक्रम हुआ है जिसमें वादी छाया के यहाँ एक वाहन खड़ा हुआ था, जिसको हटवाने के दौरान ही जो वाहन मालिक था उसने भी अवगता की है। इसमें दोनों ही मामलों में हमारे द्वारा दोनों ही आरोपियों के विरुद्ध 353 के अंदर मामला पंजीकृत किया है।
और इधर ग्वालियर में चाय बनाने में देर होने पर एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, गला दबाकर वारदात अंजाम दी गई। 22 साल की महिला को उसके पति ने पहले मारा पीटा और फिर गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। विवाहिता के मायके वालों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है, जिसके कबूल नामे सामने आया है कि उसने गला दबाकर हत्या की। मामले की जांच के लिए मृतक महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आज सुबह की घटना है ये, और थाना यूनिवर्सिटी क्षेत्र की बात है। वहाँ पर एक धोबी का जो काम करते हैं, पेस्टलेस की दुकान है उनकी, उनकी पत्नी साधना रजक का नाम था, और पत्नी की हत्या कर दी गई है गला दबाकर। और अभी प्रारंभिक पूछताछ में पति के द्वारा कुछ घरेलू कलेश बताए जा रहे हैं। इधर नर्मदापुरम में मीनाक्षी चौक पर दो महिलाओं ने हंगामा कर दिया। इस दौरान एक ऑटो में तोड़फोड़ की गई, विवाद की वजह साफ नहीं हो पाई। घटना की जानकारी लगी तो कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, फिर भी दोनों महिलाओं का ड्रामा खत्म नहीं हुआ। पुलिस के सामने महिलाएं ऑटो के कांच पत्थर से तोड़ती हुई रही नजर आई। हालांकि पुलिस ने ऑटो वाले की शिकायत पर महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। चलिए बढ़ते आगे, बात शाहजहांपुर की करते हैं। बस स्टैंड पर बसों की टाइमिंग को लेकर दो पक्ष भिड़ गए, संचालक और एजेंट के बीच लाठी डंडे चल गए, दो लोगों को सर पर गंभीर चोट आई है। जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची, काफी मशक्कत के बाद अतिरिक्त बल की सहायता से मामले को शांत कराया। भगवान सिंह गुजर और कमल गुजर यहाँ शाहजहांपुर में अवैध एजेंटी कर रहे हैं, और ये बोलते हैं कि हम सब यहाँ पे एजेंटी दादागिरी पूर्वक करते हैं, और मेरे परिवार को 8 से 10 मोटर है। पुलिस प्रशासन इस ओर विशेष ध्यान दे रहे मेरे मर्डर करने की, मेरे भाई और मेरे भतीजे और मेरे लड़के के मर्डर करने की बोलता है। भगवान सिंह गुजर यही मर्डर में सजायाफ्ता रहा, एक लेडीज के हाथ पैर तोड़ दिए उसने, उसका गुंडा गिर। आज क्या विवाद हुआ? आज विवाद ये हुआ, वो एजेंसी मांग रहे अवैध रूप से 1000 रुपए रोज मेरे कुछ ये, कि तो मैं तेरे परिवार को जान से मार दूंगा। बिगर परमिट गाड़ी जा रही थी, कल जी साहब का आदेश था बिगर गाड़ी परमिट गाड़ी मत जान, नाम नहीं जान दी। हाँ विवाद हो गया कि आप लोगों को काई की चोट आई है? ये मेरे को उसके कांतु के छोरे ने जिनने मारा है। काई से मारा? तामी से। तामी से। ये कितने लोग थे? ये 12 जने थे। पढ़ते आगे, एमपी को अजब और गजब कहा जाता है, तभी तो यहाँ पर पालतू तोते को खोजने के लिए 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। दमोह में पालतू तोते को खोजने के लिए परिजन न केवल पोस्टर पंपलेट लगा रहे हैं, बल्कि अनाउंसमेंट करके उसे खोजने के लिए इनाम देने की घोषणा कर रहे हैं। इंदिरा कॉलोनी में रहने वाले नंदकिशोर सोनी के घर में एक तोता 2 सालों से रह रहा था, वो कहीं चला गया है। उसे खोजने के लिए परिजन कोशिश में लगे हुए, परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर आवेदन देने की बात भी कह डाली। मिट्टू लापता, घर में पला हुआ मिट्टू, मिट्टू मिसिंग, मिट्टू लापता, घर में पला हुआ मिट्टू कल रात्रि से कहीं उड़ गया है, कहीं चला गया है। जिस किसी भी सज्जन को देखे पता बताने वाले को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, बताने वाले को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। संपर्क करें दीपक सोनी, नंदकिशोर सोनी, इंदिरा कॉलोनी, सिविल वार्ड नंबर 2, सिटी कोतवाली के पीछे। मिट्टू का पता बताने वाले को 10,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। मेरा मित्र है दीपक सोनी, कल रात से उसका मिट्टू में है, घुमाने ले गए थे पिताजी, किसी कुत्ते ने भौंक दिया तो डर के कारण वो कहीं छपा हुआ। कल रात से हम लोग परेशान हैं, 2 बजे रात से देख रहे, सुबह 6 बजे तक कहीं नहीं मिल रहा। कल रात से मेरा मिट्टू मिसिंग है, क्या घर में सब लोगों का चाहता था वो, रात में पापा लेके गए घुमाने के लिए, डेली लेके जाते थे, रात में बोड़ के पता नहीं कहाँ चला गया, उड़ भी नहीं पाता, चिटी कोतवाली के पीछे इंदिरा कॉलोनी में, और जिस किसी को भी मिले अपन 10,000 रुपए उसका इनाम रखा है। ग्वालियर में जीपीएफ घोटाले के बाद पीएचई घोटाला उजागर हुआ। प्रदेश में वित्तीय गड़बड़ी की जांच कर रही स्टेट सर्विलांस टीम ने घोटाला पकड़ा। पीएचई विभाग में वेतन और एरियर के नाम पर 16,42,00,000 रुपए की गड़बड़ी सामने आई। पीएचई में तैनात स्टाफ ने दफ्तर के ही कर्मचारियों के बैंक खातों के नंबर कई बार बदले और अपात्र लोगों के खाते में रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद उन खातों में रुपया ट्रांसफर कर निकाल लिया गया। गड़बड़ी सामने आने के बाद कोष और लेखा विभाग के आयुक्त के निर्देश पर संयुक्त संचालक अशोक श्रीवास की टीम मामले की जांच में जुटी है। गड़बड़ी ये हुई है कि कुछ कतिपय कर्मचारियों ने बदमाशी से धोखाधड़ी तरीके से
जो कर्मचारी हमारे विभाग में कार्यरत हैं डिवीजन नंबर एक में, उनके वेतन भत्ते और एरियर की राशि उनके खाते में डालने के बजाय अपने निजी खातों में ट्रांसफर कर लिए ट्रेजरी के माध्यम से, या अपने रिश्तेदार या हितवद्ध लोगों के। तो लगभग 4-5 साल से ये धोखाधड़ी पूर्ण कार्रवाई चल रही थी। शासन ने इसको कंप्यूटर सिस्टम से इसको उनके संज्ञान में आई तो उसकी जांच के लिए उन्होंने एक कमेटी बना दी है। बढ़ते आगे, हरदा जिले में जल संसाधन विभाग की ओर से कराए गए नहर निर्माण की पोल बारिश ने खोल दी। घटिया निर्माण से 9 महीने पहले बनी हरदा उपनहर का सीमेंटीकरण पहली बारिश में बह गया। जगह जगह नहर का सीमेंट उखड़ गया है। 20 किलोमीटर लंबी हरदा और रुंदियाल उपनहर का निर्माण 26,81,00,000 रुपए की लागत से किया गया है। किसानों की शिकायत के बाद 3 दिसंबर 2022 को न्यूज 18 ने प्रमुखता से नहर निर्माण में अनियमितता का मुद्दा भी उठाया था। नहर का निर्माण दिसंबर में हुआ था, नवंबर दिसंबर में, मात्र 8 से 9 महीने हुए इसको और सिर्फ एक ही सीजन इसमें पानी चला है गेहूं के लिए। एक सीजन में ही इसका ये हाल हो गया है कि पूरी नहर जगह जगह से उखड़ करके पूरी खराब हो चुकी है। नहर की यह स्थिति बन चुकी है। पहला पानी आया था इसमें गेहूं चने के टाइम पे, उसके बाद में ये नहर पूरी टूट चुकी है और आगे आप देखने जाओगे तो आगे और भी ज़्यादा इसकी कंडीशन ख़राब है नहर की। नहर में पानी चलता है तो मूंग के समय और रवि सिंचाई के समय कई किसान हेडअप्स डाल देते हैं, या अतिवृष्टि के कारण भी नहर जगह जगह थोड़ी बहुत डैमेज हो जाती है, तो वो ठेकेदार के डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में है, तो हम उसे सुधरवा लेंगे। खबर जबलपुर से, जहां पर एसपी ऑफिस में जनसुनवाई के दौरान 3 बच्चों के साथ पहुंची महिला ने पति के खिलाफ 3 तलाक देने की शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित महिला गोहलपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। उसका कहना है कि उसके पति ने बीच सड़क पर खड़े होकर उसे 3 तलाक दे दिया और अब उसकी ससुराल वाले भी उसे घर में नहीं रहने दे रहे हैं। अपने 3 बच्चों के साथ वो दर दर भटकने के लिए मजबूर है। मेरी ये समस्या है, मैं काफ़ी दिन से परेशान हूँ। मेरा आदमी मेरे को छोड़कर मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला कर बोला 3 तलाक मेरा नाम लेकर, और फिर उसके बाद कहता है अब तू मेरे लिए हराम है, और हमारे ससुराल वाले हमारे जेठ हमारी सास घर से निकाल रही भगा रही है। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं खाने पीने तक से मुहताज हूँ। मैं गोहलपुर थाने में 1 हफ्ते से चक्कर लगा रही हूँ मगर कोई सुनाई नहीं है। खंडवा की जनसुनवाई में अनूठा विरोध देखने को मिला। दिव्यांग की जब कई बार पहुंचने पर भी गुहार लगाने पर सुनवाई नहीं हुई तो कलेक्ट्रेट की सड़क पर उसने तमाम आवेदन फैला दिए और उसके बाद क्या हुआ आइए आपको दिखाते हैं। तेरे नाम पे जमीन नहीं है बोले, यहाँ पर बोले नेता का होता भुता पड़ी आते और भुता पड़ तुम्हारा काम हो जाता है। सड़क पर दस्तावेज फैलाए बैठे ये हैं विनोद सेन। कहने को तो विनोद दिव्यांग है लेकिन उनकी माने तो बैसाखी पर सरकारी सिस्टम है। कारण ये कि उनके कई आवेदन देने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। बताते हैं एक पट्टे की जमीन है जिस पर किसी रिश्तेदार ने कब्जा कर लिया लेकिन अब उनकी ही सुनवाई नहीं हो रही। मेरा मकान है, मेरे दादाजी ने जो भी जो पट्टे की जमीन है कुछ भी है जो भी है उससे हम आज बचपन से हम यहाँ पैदा हुए हैं के। तो आज क्या हुआ कि मेरे पिताजी का शांत हो गया तो मेरे घर से निकाल दिया। मेरे पिताजी भी विकलांग थे, उन्होंने मेरे को भी मार पिटते, मेरी रेड कट्टी तोड़ दी, मैं भी आज विकलांग हुआ हूँ। तो मैं आता हूँ, छक्का लगाता हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पर। विनोद ने जब सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया तो उसके बाद कलेक्टर के वाहन के सामने बैठ गए और तब जाकर कलेक्टर ने जनसुनवाई सभा कक्ष में उन्हें बुलाया जहां भरोसा दिलाया गया कि अधिकारी आएंगे और इस मामले में निराकरण करेंगे। ऐसा कहना था कि उसके दादाजी के नाम पर एक पट्टा था और पिछले 2-3 सालों से जो उसके मतलब ताऊ जी कहले उनके बच्चों ने उसको उस पट्टे में शायद उसको वहां से हटा दिया और वो जो मकान था उसको किराए पे चढ़ा दिया। उसका यही कहना था जो उसका हिस्सा है उसको दिलाया जाए, तो उसमें उसको आश्वासन दिया गया है कि हमारे जो तहसीलदार हैं वो उसके पट्टे वट्टे को देखेंगे, उसमें क्या क्या स्थिति हुई है, फिर उस पर जो भी अनुसार कार्रवाई होगी जिसका हिस्सा होगा तो 100% उसको दिलाया जाएगा। सूबे में हर मंगलवार को जनसुनवाई होती है जिसमें हजारों की संख्या में लोग समस्याएं लेकर आते हैं, लेकिन ऐसे मामले उन दावों की पोल खोलते हैं जिसमें सुशासन की बात कही जाती है। न्यूज 18 के लिए खंडवा से अमित जायसवाल की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात हरदा से, जहां पर जुगरिया गांव के ग्रामीणों ने हंडिया करताना मार्ग पर प्रदर्शन किया। सड़क बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर लगाए। सड़क न बनने पर आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार का ऐलान किया।
रोड की मांग को लेकर आज हम ग्रामीणों ने एक आंदोलन किया है, हंडिया करताना रोड। इसमें 15-20 गांव का जाना आना लगा रहता है शिवपुर तक के लोगों का। ये बहुत ही मुख्य मार्ग है, वो ये रोड बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त है। PWD ने इसको बनाई है और विगत 5 वर्षों में इसमें PWD ने मेंटेनेंस के नाम पे भी कुछ भी नहीं किया है। इधर ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद PWD विभाग के कार्यपालन यंत्री सुभाष पाटिल ने बताया है कि सड़क 2021-22 में स्वीकृत हुई है। 89 करोड़ की लागत से 28.5 किलोमीटर लंबी ये सड़क बनेगी, लेकिन इसकी शासन से प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं होने की वजह से निर्माण नहीं हो पाया। कल जाकर ग्रामीणों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर देंगे। ये जो ग्रामवासियों द्वारा जो आज मुद्दा उठाया है, ये रोड है गुल्ला से अंडिया मार्ग से संबंधित है। इसी में जो ग्राम है आदमपुर युवरी आता है और इस मार्ग के लिए जो है हम शासन को हमने एक प्रस्ताव भेजा हुआ है। ये मार्ग जो है चिचोड़ से हंडिया 28.5 किलोमीटर का है। इसकी स्वीकृति अभी शासन स्तर से होना है, क्योंकि बजट में तो स्वीकृत हो चुका है, लेकिन इसकी एक EFC होती है। EFC के पश्चात इसकी प्रशासकीय स्वीकृति जारी होगी, तत्पश्चात इस पर कार्य शुरू किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।